मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद की नज़र में एक बड़ा बाप बनूँ, एक ऐसा बाप बनूँ जिससे उसको लगे कि अरे मेरे लिए है ही नहीं, मेरा बाप ही नहीं कभी। मैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ ऑफ अस एज पेरेंट्स। हिट योर पॉइंट, आई गेट इट। तुम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे इस वक्त, बिकॉज दिस इज नॉट द लाइफ दैट यू इमेजिन्ड फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली। बट फाकर, फॉर नाउ लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और तुम अभी जो है ना अपना मेन फोकस अपनी पढ़ाई को बनाओ। उमा भाई बैठ गए, मैं ऑफिस आऊँ। फाकर तुम यहाँ? अब वहाँ आप यहाँ क्या करी? आप यहाँ क्या कर? आपकी तो तबीयत खराब थी। हाँ पेट में दर्द था, ठीक हो गया? माँ बस मैं वो फॉर्म्स वगैरह जो थे ना एडमिशन के, वो सबमिट करवाने के लिए इससे पूछने आया था किस तरह होता है, बस वही डिटेल्स पता क्या? काम हो गया? आपको पता है ना आज कितनी ज़रूरी मीटिंग थी और मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी, अंदाजा है ना आपको? चलो अच्छा हुआ मीटिंग भी यहीं पर है, वो लोग भी आए। मैं आइए आप मुझे ज्वाइन कीजिए, ज़रूरी मीटिंग है ये। एक्सक्यूज करना पड़ेगा आपको ज़रा, फाकर को ज़रूरी काम है, आओ। श्योर आंटी। क्या बात है, मेरा लैंडलॉर्ड बड़ा खुश नज़र आ रहा है। सालन भी बनाया, अब चावल भी बनाएंगी आप, खैर यू? वो अब मेरी पुरानी दोस्त है ना सभी, उसके चाचा इंटर के एडमिशन्स पे होते हैं, प्राइवेट एडमिशन्स भी करवाते हैं वो। उसने अपने चाचा से बात की है, वो कह रही है कि मेरा एडमिशन हो सकता है और मैं एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया। मुझे तो लग रहा था मैं एग्ज़ाम्स ही नहीं दे पाऊँगी क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम्स के करीब मेरा एडमिशन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ज़ाया तो मेरी गुड़िया की ज़िंदगी हो गई है, गलत किया है ना हम लोगों ने तुम्हारे साथ, पता है? नहीं मैं यही सोचती रहती हूँ क्या किया। जो हुआ सो हुआ अम्मा, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख पाऊंगी, कम से कम मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता। सही कह, जो कर सकते हैं वो तो करें। तुम्हारा एक ख्वाब भी तो सलामत रह गया, इसको पूरा करो। मैं खड़ी तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ हर वक्त। तुम लगकर इम्तिहान की तैयारी करो और अनाया और किचन का बिल्कुल नहीं सोचना। माँ को सिर्फ कमज़ोर समझते हो या बेवकूफ़ भी? ना ही तो मैं आपको बेवकूफ़ समझता हूँ ना ही कमज़ोर, सिर्फ अपना समझता हूँ। एक दरवाज़ा खुला है मेरी ज़िंदगी में, वो भी दोस्ती का है सिर्फ, वो भी बंद करवाना चाह रही हैं आप। बाहर से आई है वो, थोड़े दिन बाद चली जाएगी, तो उससे मिलना कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं गुनाह नहीं है, पर झूठ क्यों बोला? हाँ कोई झूठ नहीं बोला, पेट में दर्द हो रहा था, उसकी कॉल आई, चला गया, सही हो गया था दर्द। तबीयत ठीक हो गई थी तो ऑफिस भी आ सकते थे, फोन पे बता भी सकते थे, लेकिन भाई क्यों? बाप का ऑफिस था, अब अपना ऑफिस है, कौन सी सैलरी कट जाएगी? घर पे किसी को नहीं बताया मैंने कि तुम कहाँ थे? बता दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई दोस्त से मिलने गया था सिर्फ। फर्क तो पड़ता है, अराया सिर्फ ऐनी की नहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी है बराबर की। अब तुम अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभा रहे हो, इराया के हिस्से का वक्त कहां सर्व कर रहे हो? फाखर मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। आमना तुमसे सॉरी कहने के लिए यार कॉल की थी, जो भी आज अम्मा ने कहा उसके लिए जेन्युइनली सॉरी यार। फाखर तुम्हारी अम्मी ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं मिलने वाली हूँ। मतलब यार मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ और वो पता नहीं क्या समझ रही हैं।
तुम्हारी फैमिली ना शायद बहुत कंजर्वेटिव है। अच्छा शायद क्या, तुम्हारी फैमिली तो है ही कंजर्वेटिव, तभी तो उन्होंने तुम्हारी इतनी जल्दी शादी करा दी है। ठीक है, पर इस चीज की सजा मुझे क्यों दे रही हो, मिलना क्यों छोड़ रही हो? फाखर, मुझे नेक्स्ट टाइम अपनी इंसल्ट करानी होगी ना तो मैं तुमसे मिल लूंगी, ठीक है? हैप्पी? ओह, नाराज तो मत हुआ, क्या हो गया? ये जो तुम्हारी गुड़िया है ना पालिश, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तुम भी जब छोटी थी तो ऐसी ही थी। मैं दुआ करती हूँ कभी कभी अप्पा कि मेरे जैसी माँ, मेरे नसीब इसके नसीब जैसे ना, इसका नसीब मुझसे बहुत बेहतर हो। हवासी इतनी बड़ी हो गई, अब ख्याल आ रहा है नाना। अम्मा, मैं नाना को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही वो सो जाएगी मैं आपको दे दूँगी, बस एक घंटे के लिए मुझे जाना है, मुझे कुछ बुक्स लेनी है। अरे तो तुम अकेले कैसे जाओगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं लिए चलता हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम मुझे किताब का नाम लिख के दे दो, मैं ले आऊँगा। बचपन से लेके आज तक कभी पलट कर पूछा नहीं, और आज अभी तबीयत ठीक है आपकी? अम्मा आई थी मेरे ख्वाब में जिस दिन पहले, रो रही थी, कहने लगी जितने नवासी नवासी सब में पोते पोती हूँ, मुझे ऐनी बहुत लाडली लगती है, तो हमने उसे ऐसी नज़रअंदाज किया हुआ है। जब किसी लोमड़ी की तुम कट जाती है ना, तो वो चाहती है कि बाकी सबकी भी कट जाए। तुम्हारा भी वही हाल है, खुद तो मुसीबत में पड़ गई हो, अम्मी के साथ तैयारी में हाथ बटा के मुझे भी मुसीबत में डालना चाह रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमजा नहीं तो कोई भी नहीं। फजूल बातें मत करो एमन, हमजा चला गया और मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी जान छोड़ के ना अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। वो गया भी तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि वो तुमसे। एमन, कैसी बातें कर रही हो तुम, इतने सब बोल भी कैसे दिया? और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो जाके तुम्हें पप्पो को बताना चाहिए ना, क्या तुम उन्हें चार लोगों के सामने शर्मिंदा करोगी? तुम्हें मेरे और मेरी अम्मी की फिक्र कब से होने लगी? तुम तो अपनी मनमानी करती हो ना, क्योंकि तुम तो घर में सबकी लाड ली हो, और समीना मामी भी अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए राजी हो गई है। अगर मैं घर में सबकी लाडली होती ना एमन, तो आज मैं इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ ना, वो नहीं करती। तुम्हें पता है ये बेवक्त की शादी की वजह से मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? जो प्रॉब्लम्स, जो मसाइल मुझे 10 साल बाद फेस करने थे, वो मैं अभी कर रही हूँ। वॉट एवर, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं मेहमानों के सामने नहीं जाऊँगी। हमजा को फ़ोन करो और उसे वापस बुलाओ। मैं क्यों उसे फ़ोन करूँ? मैं क्यों उसे बिना वजह फ़ोन करके वापस बुलाऊँ? क्योंकि वो तुम्हारी सुनता है, और तुम कहोगी तो वापस आएगा भी और मेरे साथ शादी भी करेगा। मैं बता दूँ एनी, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना बहुत तमाशा होगा। हेलो, हाँ निम्रा, हाँ जमा करवा दिए 22nd को, सही है, पूछती हूँ। आखिर तुम्हारे 22nd से एग्जाम्स हैं, एडमिशन का क्या हुआ? लास्ट मोमेंट पे कहीं हुआ ही नहीं, नेक्स्ट ईयर ही होगा, अब जो भी होगा। नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं हो, पर फिर मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टडीज बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। अहमद से नोट्स वगैरह ले लो, बुक्स में जो मार्क किया गया है वो तुम भी मार्क करो, क्लास में जो डिस्कस किया गया है वो तुम दोनों डिस्कस कर लो,
फिर ये सब नहीं करोगे तो ज्यादा पीछे रह जाओगे तुम। पीछे रह जाऊंगा, पीछे रह गया हूँ। बस एक चीज मैं नहीं रहा हूँ कि मेरे किसी भी दोस्त का कोई बच्चा नहीं, ना कोई अबू बन है अभी तक। जिस जिम्मेदारी का बोझ तो हम दोनों के सर पे आया ना, हम दोनों को इस चीज के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन मूव ऑन कर लेना चाहिए।